मिसाइल और ड्रोन हमले का ये वीडियो इसराइल का है। ईरान ने जब 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात इसराइल के कई इलाकों में मिसाइलों और ड्रोन की बारिश शुरू की तो पूरे इसराइल में कुछ इसी तरह के सायरन गूंज रहे थे। इजराइल और अमेरिका ने ईरान की ओर से छोड़े गए कई मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया। इजराइल पर इन हमलों की खबर जैसे ही ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों को हुई वो सड़क पर उतर आए। तेहरान की सड़कों पर लोगों ने इस हमले के बाद जमकर जश्न मनाया। किसी ने आतिशबाजी की तो किसी ने जमकर नारेबाजी की तो वहीं किसी ने सड़कों पर डांस कर इजराइल पर हुए हमले का जश्न मनाया। दरअसल ईरान सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के बाद से ही भड़का हुआ था। बता दें कि 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के IRGC के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जहेदी और कई अधिकारियों सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में वाणिज्य दूतावास की इमारत पूरी तरह निस्ता नाबूद हो गई थी। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद से ईरान लगातार इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा था। वहीं इजराइल पर हमला करने के बाद ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन करेगा तो अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल पर एक और युद्ध का संकट मंडरा रहा है। इजराइल का कहना है कि वो खुद को सुरक्षित रखने और दुश्मन को चोट पहुंचाने का पूरा दम रखता है। हालांकि इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन का भी सहयोग मिला है। दुनिया भर के कई देशों ने ईरान के इन हमलों की निंदा की है। इसके साथ साथ इजराइल ने कैबिनेट बुलाकर ईरान द्वारा और हमलों की आशंका जताई है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।